दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और नई इजादात में यूरोपियन ममालिक इस वक्त बहुत आगे निकल चुके हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले जिस वक्त यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था तो मुसलमान साइंसी और सकाफती इजादात के समंदर में गोता लगा चुके थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस्लामी तारीख की चंद ऐसी अहम इजादात के बारे में बात करेंगे जिसने आज की जदीद तरीन दुनिया की बुनियाद रखी और जिनके बारे में जानना यकीनन दिलचस्पी का जरिया बनेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, साबुन। नहाना धोना मुसलमानों की मजहबी जरूरत है और यही वजह है कि उन्होंने आज के दौर में इस्तेमाल होने वाला साबुन अपने तरक्की के दौर में ईजाद कर लिया था। कदीम मिस्र और रोम में साबुन जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल होती थी, मगर अरबों ने सब्जियों के तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के इम्तिजाज में मुख्तलिफ खुशबू का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि शैम्पू भी इंग्लैंड में एक मुस्लिम ने 1759 में मुतारफ कराया है। नंबर दो, लिबास। कपड़ों की दो तहों के दरमियान किसी मटेरियल की तह बिछाने या ज़रा बख्तर को नई शक्ल देने के बारे में वाज़ह तौर पर नहीं बता सकते हैं कि ये मुस्लिम दुनिया ने कब ईजाद की या इसे हिंदुस्तान या चीन कब दरामद किया, मगर ये बात तो वाज़ह है कि ये मगरिब में सलीबी जंगों के बाद ही इसमें हिस्सा लेने वाले जंगजुओं ने मगरिबी ममालिक में पहुँचाया है। नंबर तीन, गुम्बद, मिंबर और दीगर तामीरात। ईसाई दुनिया के गिरजाघरों में गुंबदों की तामीर का तस्वूर भी इस्लामी तामीरात से लिया गया है। ये गोल तामीर इस तर्ज तामीर से कई गुना बेहतर था जो रोमन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसके ज़रिए इमारत को ज़्यादा बड़ा, ऊंचा और कम्प्लेक्स की शक्ल देना आसान हो गया। इसके अलावा मुस्लिम दुनिया ही से मिंबर और दीगर तकनीक यूरोप ने उधार लिए, यहाँ तक कि यूरोप के लिए भी इस्लामी दुनिया की नकल है। नंबर चार, सर्जिकल आलात। जदीद आहद के मुतअद्दिद सर्जिकल आलात की बुनियाद 10वीं सदी पहले मुस्लिम सर्जन अज़वाहिरी ने रखी थी। इनके नश्तर, कीनिया और दीगर 200 आलात की अहमियत आज के दौर के सर्जन भी मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने जख्मों को टांके लगाने वाला ऐसा धागा भी तैयार किया जो कुदरती तौर पर जिस्म से अलग हो जाता था, जबकि उन्होंने कैप्सूल भी ईजाद किया। इसी तरह 13वीं सदी में एक और मुस्लिम तिब्बी माहिर इब्ने नफीस ने दौरान खून की वजाहत की, जबकि मुस्लिम डॉक्टरों ने अफियून और अल्कोहल के इम्तिजाज से ऐसी सुइयां तैयार कीं जिससे किसी को भी बेहोश किया जा सकता था, और ये तकनीक अब भी इस्तेमाल हो रही है। नंबर पाँच, फाउंटेन पेन। पहला फाउंटेन पेन 953 में एक मिस्री सुल्तान ने ईजाद किया, क्योंकि वो एक ऐसा कलम चाहता था जिसके दाग उसके हाथों या कपड़ों पर न लग सके। इस कलम में मौजूद कलमों की तरह स्याही अंदर जखीरा होती थी और निब के ज़रिए उसे लिखा जाता था। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें।